एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महामिधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग स्वदर्शिनंग, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। तीनों लोगों को तिन्नानंग तारियानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबके लिए मंगल की कामना करते हुए सबको मोक्ष के मार्ग पर ले जा रहे हैं, उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की क्षमा को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु की वाणी की चर्चा आपके सामने चल रही है। प्रभु की अंतिम देशना उत्तराध्यान सूत्र समकित पराक्रम के अंदर अपरिबद्ध परिबद्ध आयनंग भन्ते जीवे किम जने, हे भगवान अप्रतिबद्धता, अप्रतिबद्धता का अनासक्ति, एक आसक्ति एक अनासक्ति, एक है मोह एक है वैराग्य, तो दोनों को में क्या अंतर है? प्रभु अनासक्ति से जीव को क्या लाभ होता है? भगवान फरमाते हैं परिबद्धेनंग निसंगत जनय निसंगतेनंग जीवे एक एक चित्ते दिया वारायो असज्ज माने अपरिबद्धाय यावी विहरई। अप्रतिबद्धता से जीव असंगता को प्राप्त, उसको कोई संग चाहिए ही नहीं। जैसे हम लोग, कोई भी लोग, किसी का सहारा चाहिए, मनुष्य को परिवार चाहिए, परिवार के साथ फिर बेटा, फिर धन, फिर मकान, फिर मकान के साथ कितना गाड़ी, बंगला, हीरे जवाहरा सब कुछ पाने के बाद फिर पूछो क्या आप शांति में हैं, आनंद में हैं, अपने स्वभाव में हैं? तो पूछो नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने ही जाल में वो गिर जाता है। धन ज़्यादा आ जाए तो चिंता, किसको दूँ किसको ना दूँ, चोरों का खतरा, राज भय का खतरा, कोई भी चीज़ बनाओ उसके पीछे व्यक्ति दुखी हुआ रहता है। यदि जीव रहो घर में, पर ऐसे रहो जैसे कि किराए का मकान, एक किराए का मकान, एक तुम्हारा अपना मकान, अपने मकान में कितनी चिंता होती है। किराए के मकान है कोई बात नहीं, चले जाएंगे 6 महीने के बाद चले जाएंगे, तो घर में भी ऐसे रहो जैसे कि मकान किराए का। ये शरीर भी तो किराए का है, जिसको अपना मान रखा है, दे, क्या आपकी देह अपनी है? कितनी बदल गई देह, जब बचपन माँ के गर्भ में थे, एक अणु के रूप में थे, एक शरीर 9 महीने का बना, बाहर आए, माँ ने प्यार दिया, माँ ने दूध पिलाया, भाई बहनों ने बड़ा किया, स्कूल में गए, पढ़ाई की, मित्र बन गए, फिर आगे जाके देखो पढ़ाई करने के बाद आपने व्यापार किया, किसी ने नौकरी की, धन कमाया, धन कमाने के बाद क्या किया? मकान बनाया, मकान बनाने के बाद क्या हुआ? मैं अकेला था, दो हो जाऊं, दो हो गए, दो के 3 हो गए, 4 हो गए, ये सारा क्या है? आसक्ति का संसार है। जितना आसक्त रहोगे उतना
दुखी रहोगे। ऐसा नहीं कि ग्रस्त में रह करके आप आसक्ति तोड़ सकते हो, निरासक्त रह सकते हो। भरत चक्रवर्ती छेखंड के राजा विजय प्राप्त की, पर भगवान से पूछा, प्रभु चक्रवर्ती कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा मोक्ष जाएंगे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, छेखंड के राजा, इतनी सेना, छेखंड, हमारे पास तो एक खंड आधा खंड भी नहीं है, पूरा भरत, छेखंड के राजा, इतना विजय प्राप्त किया, हीरे जवाहरात रतन सब कुछ है। तो पूछा भरत कि प्रभु ये कैसे हो सकता है? पाए भरत चक्रवर्ती के पास, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ इस व्यक्ति को शंका थी, एक कटोरा भरा हुआ तेल का लाओ और पूरे बाजार में घूम के आओ, और शर्त है कि एक बूंद भी ना गिरे, एक बूंद भी गिर गए तो फिर मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब घबरा गए, ऊपर मृत्यु, तेल का कटोरा भरा हुआ है, पूरे बाजार से गुजरना है, बाजार में सब तरह के लोग हैं, आते जाते हैं, और व्यक्ति जाता जाता पूरे बाजार में जाकर के वापस आता है और वैसे का वैसा कटोरा दे देता है। भर चक्रवर्ती पूछते आपने क्या देखा बाजार में? क्या देखा? किसी को देखा? मैं किसी को नहीं देखा। तो क्या देखा? बस एक ही था कि किसी तरह से मैं कटोरा ऐसे कासा ले जाऊं, एक बूंद भी गिर गई तो तलवार मेरे ऊपर है, मैं मर जाऊंगा। भरत चक्रवर्ती का बस यही बात है, बस यही मैं करता हूं, पूरा राज्य है, मुझे राज्य की कोई चिंता नहीं, सब हो रहा है, मेरा क्या है इसमें। ऐसे थे भरत चक्रवर्ती, छह खंड के राजा, हमारे पास तो एक खंड भी नहीं, एक खंड के दो चार मकान होंगे आपके पास, 10-50 करोड़ होंगे, अरब होंगे, खरब होंगे, हीरे जवाहरात होंगे, गाड़ी बंगला होगा, और क्या है? भरत चक्रवर्ती उसी भाव में और शीश महल में ही केवल ज्ञान हो जाता। एक अंगूठी गिरी, अच्छा ये सौंदर्य शरीर का, दूसरी निकाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारे जो पहने हीरे निकाल दिए, मुकुट निकाल दिया, आभूषण निकाल दिए, ये शरीर, ये मेरा सौंदर्य। चिंतन करते 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 भरत चक्रवर्ती को शीश महल में केवल ज्ञान हो गया। ऐसे थे भरत चक्रवर्ती। कब हो सकता है? जब आप वस्तुओं के प्रति, संसार के प्रति जब अपनी आसक्ति तोड़ देते हो, निरासक्त हो जाते हो। राजा जनक के पास सुखदेव सन्यासी आया, कहते थे राजा जनक पहुंची हुई महात्मा है, पर देखा उसको मेहमान घर में आया। राजा जनक तो महलों में है, अप्सराएं भी हैं, नृत्य भी हो रहा है, सन्यासी को लगा तो ये कैसा राजा है, और कहते हैं तो ज्ञानी हो गया, महाज्ञानी हो गया। तो जनक ने कुछ नहीं कहा, सुबह हुई कि चलो नदी में स्नान करने जाते हैं। राजा जनक भी गया और सुखदेव सन्यासी भी गया, जैसे डुबकी लगाई और आवाज़ आई कि महलों में तो आग लग गई। जनक ने कहा मेरा क्या जाता है, लग गई तो लग गई। वो सन्यासी भागा आया, लंगोटी रखी थी कि लंगोटी को कहीं आग ना लग जाए, वो लंगोटी की चिंता करता है सन्यासी, और जनक महलों में है तो कोई चिंता नहीं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, आप भी घर में रह करके भी एक सन्यासी का जीवन जी सकते हो, और साधु भी होने पर, साधु ने भी घर बार छोड़ दिया, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा गुरु, मेरी संस्था, मेरे श्रावक,
ये मेरा 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 गुरु करता रहा, इस संसार में डूबेगा। वो भी गृहस्थी है, वो तुमसे ज़्यादा गृहस्थी है। आजकल हम देखते हैं महावीर को लोग भूल जाते हैं, अपने अपने गुरुओं की चिंता लगी रहती है, गुरुओं की जन्म जयंती मनाते मनाओ, पर महावीर को तो मत भूलो। सबसे ऊपर है महावीर, इसके ऊपर तो कोई भी नहीं, जिसने हमें धर्म दिया, अहिंसा दी, साधना दी, मोक्ष का मार्ग बताया। कैसे तेरे महावीर, उसकी चर्चा करो, उसका चिंतन करो, उसका जीवन जियो। बाकी सब नीचे है। तो भगवान से पूछा, प्रभु प्रतिबद्धता निश्चिंत होकर के जी, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है पर आनंद से जी सकते हो। मैंने एग्जाम्पल दिया था कबीर का, संत रैदास का, पुनिया श्रावक, संपत्ति नहीं थी ज़्यादा, उसके पिता कैसे थे, वो कैसा निकला। महावीर प्रशंसा करते हैं उसकी, और किसी श्रावक का नाम नहीं लेते, पुनिया श्रावक का नाम लेते। यह अप्रतिबद्धता अनासक्ति का भाव, अप्रतिबद्धता से जीव असंगता को प्राप्त करता है, संग तोड़ देता है। असंगता से जीव राग द्वेष से रहित हो जाता है, उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर वह दिन रात राग रहित होकर ममत्व से मुक्त होकर के विचरता है। अप्रतिबद्धता यानी स्वतंत्रता, जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से बंधे नहीं। अप्रतिबद्धता का मतलब है जो व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से बंधे नहीं, उसे अप्रतिबद्ध कहते हैं। प्रतिबंध चार प्रकार का होता है, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल और भाव का। किसी वस्तु के प्रति, द्रव्य के प्रति आसक्ति निर्माण कर लेता हूँ। द्रव्य, जैसे आप घर में हैं, मुझे ऐसा ही घर चाहिए। किसी किसी लोगों को बाहर जाते हैं तो उसको अपना ही घर अच्छा लगता है, अपना ही बेडरूम, अपने ही स्थान पर रहना। किसी लोगों को ऐसा अटैचमेंट हो जाती है अपने घर से, अपने बेडरूम से, मुझे ऐसा ही घर चाहिए, ऐसा ही कमरा चाहिए। एक वस्तु के प्रति आसक्ति, स्थान के प्रति, शहर के प्रति लगाव करना, आग्रह नहीं रखा, मैं यहीं रहूँगा, मैं इसको छोड़ करके जा ही नहीं सकता, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे तो अपने घर में नींद आती। ऐसे लोग हैं जो संकुचित धैर्य के हो जाते हैं। क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, प्रतिष्ठा का भाव, बड़प्पन का भाव हो करके ये भाव प्रतिबंध है। कहा गया है हम कि संत के पास गए थे हरिद्वार के अंदर, अकेला संत रहता था, अकेला था, वो कहता एक निरंजन, एक रहोगे निरंजन, दो गृहस्थी, तीन खटपट, चार झमेला ही झमेला। आप देखो कैसा जीवन जी सकते हैं। जितनी जितनी ममता तुम्हारा, जितनी जितनी ममता है, चाहे किसके प्रति लगा लो, चाहे आपका परिवार है, आपका बेटा है, आपका धन है, आपके कपड़े हैं, आभूषण है, हीरे जवाहरात है, गाड़ी है, बंगला है, गुरु है, शिष्य है, कोई है, जिससे ममता रखोगे उतना उतना दुख, और जितनी जितनी समता उतना उतना सुख। एक है ममता, एक है समता। ममता है संसार, समता है मोक्ष का मार्ग। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना इस तरह, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना इस तरह जिस तरह तालाब में, तालाब के पानी में रहता है कमल। कमल का अपमा देते हैं, कमल कीचड़ में पैदा होता है, उसकी डाल ऊपर होती है, पत्ते ऊपर होते हैं, कमल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पर पत्तों पर पानी आ भी जाए तो पानी बह जाता है, पानी पत्ते पर नहीं टिकता, और उसका फूल ऊपर रहता है। इसलिए कहता है, कभी कहते हैं कि रहना हो संसार में तो कमल की भांति रहो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान से पूछा, पुरुषा
तुम्मेव तुम्मंग मित्तम किम बहिया मित्तम अच्छी। हे पुरुष, तुम्मेव तुम्मंग मित्तम, तुम ही तुम्हारे मित्र हो। हे पुरुष, तू ही अपना आप मित्र है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग, नमो शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानातो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।